उत्तर प्रदेश के मैनपुरी के थाना कुर्रा क्षेत्र में एक युवक की कुल्हाड़ी से प्रहार कर हत्या किए जाने के मामले ने सनसनी फैला दी है। तत्काल घटना की गंभीरता को देखते हुए मौके पर पुलिस बल पहुंच गया है। पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेने के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। हत्या रंजिशन बताई जा रही है। पुलिस ने चार आरोपियों के खिलाफ हत्या की धारा में मामला दर्ज कर लिया है। आपको बता दें कि घटना थाना क्षेत्र के ग्राम नगला गिरिंद चंद्रपुर वोझी की है, जहां थाना क्षेत्र के ग्राम लेख राजपुर निवासी 28 वर्षीय धीरेन्द्र यादव किसी काम से गांव गिरिंदर चंद्रपुर भोजी आया था। तभी गांव के रहने वाले गोविंद कुमार से किसी बात को लेकर कहा सुनी हो गई, जिसके बाद मामला इतना बढ़ गया कि गोविंद के साथ उनके तीन अन्य भाइयों ने मिलकर पहले धीरेन्द्र के साथ बुरी तरह से मारपीट की और उसके बाद कुल्हाड़ी से कई प्रहार कर मुंह से मौत के घाट उतार दिया। घटना की जानकारी जैसे ही परिजनों को हुई तो पूरे परिवार में कोहराम मच गया। तत्काल घटना की सूचना पुलिस को दी गई तो मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल पहुंच गया। पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेने के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। मृतक के परिजनों की तहरीर पर चार आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। आरोपियों की गिरफ्तारी को पुलिस अब दबिश बता दे रही है। आरोपी घटना के बाद फरार बने हुए हैं। मैनपुरी से संवाददाता गौरव पांडे की रिपोर्ट। आज धीरज जी बताओ, किस गांव के रहने वाले? हम लेख राजपुर के रहने वाले। एक निर्गम हत्या की गई है गांव के व्यक्ति की, कैसे? वो मेरे चाचा जी हैं, वो सही है, यहाँ घर से गए बाप है लेबर करने के लिए, भूसा के लिए लेबर करने के लिए गए थे। तो वहाँ पे जाके पाले वाले हैं बल्ले चाचा, उनके यहाँ पे जाके वहाँ बैठे, उनके बाद उठ के निकल आए। उसके बाद उन्होंने दूसरा पछता, उन्होंने आके पीछे से सरिया मारी। फिर जाके वो जैसे ही उठ के बाइक छोड़ के जैसे ही दूसरे घर में घुसे, वहीं घेर के वो कुल्हाड़ियों से बाहर कर। पच के जो लोग थे, क्या नाम था उनका? उनका तो एक का नाम गोविंद है और बाकी का नाम नहीं, मतलब ये जिस व्यक्ति की हत्या की गई है उससे कोई रंजिश नहीं थी, किसी कोई रंजिश नहीं थी, बस खाली ये थी कि दूसरे पक्ष में बैठते थे। वो परिवार के ही थे, गोविंद और बल्ले एक ही परिवार के हैं चाचा दाऊ, उनमें कुछ रंजिश है। वो बल्ले के यहाँ बैठते थे, बस यही रंजिश। मुकदमा कायम हो गया? मुकदमा हो गया है, अभी रहे हैं, वो रिपोर्ट नहीं आ पाई है। ये बताओ, एक सर प्रदीप और कुल्लड़ की हत्या हुई है आज 11:30 बजे लगभग। ये गया था चंद्रपुर ग्राम सभा है, उसका मजरा है गिरनंगला ग्रंथ, तो दूसरे पक्ष में ये जाता था वाले वाले उनके यहाँ, तो दूसरे पक्ष से उसकी लड़ाई चल रही थी, तो उसने इसने मोटरसाइकिल जा रहा था तो कुल्हाड़ी मार के हत्या कर दी। नहीं तो हत्या की क्या वजह थी और ये जिसेट कर नहीं, ये इसका आना जाना था दूसरे पक्ष के यहाँ, ठीक है, तो उसकी ये बुराई मानता था दूसरा पक्ष, इसलिए इसको घिर गया आज, जब 3-4 लोगों ने कर दी निर्गम हत्या कर। अगर हम कार्रवाई की बात करें तो कितने लोगों के खिलाफ FIR दर्ज? शायद 4 लोगों के खिलाफ हुआ है। किसी की गिरफ्तारी अभी तक? अभी नहीं। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.